का आह्वान हुआ। देशव्यापी हड़ताल के दौरान पूरे देश में संस्थान, दुकानें, उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के साथ साथ सार्वजनिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम बंद रहे। इसी बीच लखनऊ में मार्च कर रहे किसान नेताओं से हमारे संवाददाता अश्विन त्रिवेदी ने बातचीत की और उनकी मांगों को साझा किया। इसलिए मैं राशन के लिए और हमारा लोगन घर भी चूता है और हमारा गैस भी महंगा किया है, हर चीज पे मुसीबत है। लड़के बच्चों की पढ़ाई वो भी स्कूल नहीं खुलते हैं, सरकार का लेके कटोरी भीखे मांगे हम लोग का, 5 किलो में को खा पे कहे बच्चे तो खा ना पे, का निमकई रोटी खावा जाए है और कुछ की नहीं। प्रदर्शन इस चीज के लिए है क्योंकि जितनी भी महंगाइयाँ बढ़ रही है उसको मोदी सरकार को रोकनी चाहिए। इतनी महंगाइयाँ पे किसान क्या करेगा, धरना ही तो देगा और क्या करेगा। आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कुछ भी डीजल पेट्रोल गैस, आज औरतों को घर से निकलना मुश्किल है, हर चीज में बढ़ोतरी है। क्या 5 किलो राशन में क्या एक घर का एक महीने का चल जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, पूरे देश में भारत बंदी है। उत्तर प्रदेश के कई जिले में जो है किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। ऐसे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के उचित इंतजाम किए जाएं, किसी भी तरीके से आवागमन को बाधित न होने चाहिए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिससे आवागमन किसी तरीके से बाधित ना हो और किसी भी आम नागरिक को किसी तरीके की समस्या ना हो। किसी को अर्जेंट किसी कहीं आना जाना पड़े तो उसे किसी भी तरीके की समस्याएं ना हो। ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों की तरफ से, महिलाएं, पुरुष सबकी तरफ से जो है भारत बंद पर तमाम सैकड़ों लोग हैं जो भारत बंद का आह्वान पर जो है भारत की बंदी कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ किसान नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं। अजीब अतुल कुमार अंजान जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज भारत बंद का आह्वान किया गया है तो ऐसे में कितने बजे से लेकर कितने बजे तक भारत बंद है? सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद है। एम्बुलेंस, पेट्रोल, डीजल, गैस के टैंकर फ्री हैं, उसमें कोई आवागमन पर रोक नहीं है। वृद्ध लोगों को ले जा रही कार कोई नहीं है, पीने का पानी ले जाने वाली टैंकर पर कोई सारे देश में बंद है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्य कंप्लीट बंद हैं। उत्तर प्रदेश के 37 जिलों के अंदर अभी तक जानकारी के अनुसार कंप्लीट बंद है, रोड जाम है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम लोगों को परेशानी हो, दुकानें लोग स्वतः बंद कर रहे हैं। राजधानी के अंदर यहाँ पर बड़ी फोर्स लगा करके सरकार ने प्रशिक्षण दे रखा है दुकानदारों को। मैं दुकानदार भाइयों से अपील करता हूं कि 4 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखें, 4 बजे के बाद खोलें। और भी हमारे साथ बड़े किसान नेता हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या है, आगे की रणनीति क्या है, कहां तक पैदल मार्च करेंगे। आप बताइए कि कहां तक पैदल मार्च करेंगे। ये हमारा गांधी प्रतिमा तक जाने का हमारा कार्यक्रम है। अभी हमारे और भी लोग आ रहे हैं, अब इन सबको लेकर शांतिपूर्ण ढंग से हम बंद करने का आह्वान करेंगे व्यापारियों से और ये गांधी प्रतिमा तक जाएंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल और है कि कुछ किसान संगठनों ने सरकार को समर्थन दे दिया, जब भानुगुट की बात की, भानुगुट ने समर्थन दे दिया। वो किसान संगठन नहीं, वो चंद दलाल हैं जो दलाली का काम करते हैं और सरकार से हाथ मिला करके उनकी दलाली चलती, उनका भोजन चलता है। वो किसान संगठन उनको हम नहीं कहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ दल्ले हैं, सरकारी दल्ले। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम किसान नेता थे जिन्होंने कहा कि जो है 40 संगठनों के द्वारा जो है भारत बंद का आह्वान किया गया है और उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में जो है व्यापारी के समर्थन मिल रहा है और लगातार जो है दुकानें बंद कराई जाएं, शांतिपूर्ण ढंग का ये मत रहेगा। और वही कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए, यातायात को बाधित न करने के लिए पुलिस तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ अश्विनी त्रिवेदी, प्राइम टीवी। भारत बंद के दौरान